Hello dear students, now in continuity with the previous topic related with the chapter The Human Eye and the Colorful World, we have next topic Rainbow Formation. Clear? जैसे कि आप सभी को पता है कि रेनबो का मतलब क्या होता है आपके पास. एक्चुअली क्या होता है कि रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, एक तरह का स्पेक्ट्रम है, एक कलर्ड स्पेक्ट्रम है जो आपको दिखाई देता है आफ्टर द रेन शावर. कि जैसे क्या होता है कि बारिश हो जाती है, तो बारिश के बाद क्या होता है, यू विल सी कि स्काई में क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम अपीयर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. यू नो वेरी वेल कि जब सनलाइट प्रोड्यूस होती है, देन क्या होता है कि जैसे वो उन वाटर ड्रॉपलेट से पास आउट होती है, देन क्या होता है कि आपको नेचुरल स्पेक्ट्रम वहां पे दिखाई देता है. तो एक्चुअल में है क्या चीज कि आपको पता है कि जब रेन हो जाती है, मीन्स जब बारिश हो जाती है, देर आर सम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के जो ऊपर की साइड रह जाते हैं एयर में. तो होता क्या है कि जब वो ऊपर की साइड होते हैं, देन होता क्या है कि जब वहां से सनलाइट पास आउट होती है, देन उसमें क्या होता है, डिस्पर्जन फिनोमिना आकर होता है. यू नो वेरी वेल बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्पर्जन, हमारा मतलब क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर. कि जब व्हाइट लाइट क्या होती है, उनसे पास आउट होती है, देन वो अपने कलर में स्प्लिटिंग शो कर देती है. क्लियर? तो वही चीज आपके पास क्या होती है, यहां पे होती है. एक्चुअली यहां पे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, दे विल बी एक्ट लाइक इज अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. और जब व्हाइट लाइट मीन सनलाइट वहां से पास आउट होती है, तो उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है. तो वो देखते हैं किस टाइप से होती है. कि लाइक जैसे मैंने यहां पे कंसीडर किया, दिस वन इज अ वन वाटर ड्रॉपलेट. क्लियर? यहां से क्या होगा, सनलाइट यहां पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये आपके पास क्या है, सनलाइट. और ये क्या होगी, व्हाइट लाइट होगी. क्लियर? जैसे स्ट्राइक करती है, देन यहां पर क्या होगा, रिफ्रेक्शन फिनोमिना करोगा. क्लियर? एंड देन उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है. और मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक्सट्रीमम कलर, मींस एक रेड होगा और एक क्या होगा, वॉयलेट कलर होगा. दिस वन इज रेड और ये मेरे पास क्या, वॉयलेट कलर. अब यहां पे क्या होता है कि यू विल थिंक कि यहां पे इस लाइट को आगे की साइड रिफ्रेक्ट होना चाहिए, बट यहां पे रिफ्रेक्शन नहीं अक्कर होगी. यहां पे इस लाइट की क्या होगी, इंटरनली रिफ्लेक्शन होगी इस टाइप से, लाइक दिस. दिस वन इज रेड और ये क्या है, वॉयलेट. एंड देन आफ्टर क्या होगा, ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी एंड वी विल गेट द पैटर्न. क्लियर? तो ये रेड है और ये आपके पास क्या है, वॉयलेट है. सो यू कैन सी कि आपके पास यहां पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में डिस्पर्जन फिनोमिना हो रहा है, बट एक टाइम, जस्ट वन टाइम यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ. देन आफ्टर लाइट क्या होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी बाय द फिनोमिना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर? और इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, फर्दर रिफ्रेक्शन आकर होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि ये स्पेक्ट्रम दिखाई देता है. ये जस्ट मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट का एग्जाम्पल कंसिडर करके बताया है. इस टाइप से क्या होता है, देर आर सो मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द स्काई, और जब सनलाइट क्या होती है, वहां से पास आउट होती है, देन वी विल सी कि एक बेसिकली स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है, विच वी कॉल एज अ रेनबो फॉर्मेशन. मीन्स इस टाइप से आपके पास क्या होगा, वो रेनबो फॉर्मेशन अक्कर होगी. बट एक कंडीशन होती है फॉर द रेनबो फॉर्मेशन, वो कंडीशन मस्ट है. कि क्या, कि आप ये चीज देखोगे कि जैसे आप, मैं यहां पे खड़ा हूं सपोज करो, देन रेनबो फॉर्मेशन मुझे आगे की साइड तभी अपीयर होगा अगर सन मेरे बैक पोजिशन पे होगा. मीन्स क्या होता है कि ऑब्जर्वर को जिस डायरेक्शन में रेनबो अपीयर होता है ना, देन सन क्या होता है, हमेशा उससे बैक पोजिशन में होता है. क्लियर? एनी डाउट?